हेलो फ्रेंड्स, आपने मटन हंडी और चिकन हंडी तो कई बार खाया होगा, पर आज हम लेके आए हैं मशरूम हंडी। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए ये रेसिपी तो काफ़ी काम आने वाली है। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम फ्रेश मशरूम ले लिया है, 2 बड़े साइज प्याज को हमने बारीक काट लिया है, और इसमें 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च मिलाया है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे चिकन मसाला मिलाया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाया है। हमने यहाँ पे 3 हरी मिर्च को ऐसे बारीक स्लाइस कर लिया है। अब हमें इसमें 5 टेबल स्पून जैसा सरसों तेल ऐड करेंगे, और ये मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सरसों तेल से ना इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। हमने मशरूम को कटिंग करके रख लिया था, उसे अब ऐड करेंगे, और इन मसालों के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को हमें अच्छे से मिलाना है ताकि मशरूम के अंदर अंदर तक मसाला चले जाए। हमने यहाँ पे मीडियम साइज का मिट्टी का हंडी लिया है। अब हम इसमें 100 ग्राम सरसों तेल ऐड करेंगे। खड़ा गरम मसाला में हमने यहाँ पे दालचीनी, जीरा, लौंग, गोलकी हमने डाला है। किसी भी रेसिपी में ना खड़ा मसाला ऐड करने से उसका स्वाद दोगुनी हो जाती है। अब हम इसमें 2 कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा तेज पत्ता ऐड करेंगे। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे, और जो मसाला हमने रेडी कर लिया था उन्हें अब इसमें डालेंगे। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते रहना है। हमने मीडियम फ्लेम में मशरूम को 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ढक देंगे और आटे की लोई से इसे कवर कर देंगे ताकि सारा गैस अंदर ही रहे। हमने आटे से इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब बस लो फ्लेम करके इसे आधा घंटा तक कुक करने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे 10 से 15 मिनट के बाद ऐसे आपको थोड़ा सा हिला देना है ताकि नीचे कोई भी मसाला ना लगे। आधा घंटा पूरा हो चुका है, अब हम इसका ऊपर का ढक्कन निकाल देंगे। मशरूम का कलर इतना ज़्यादा खिल रहा है, क्या ही बताएं। ये देखने में भी काफ़ी रिच लग रहा है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जैसा कसूरी मेथी ऐसे छिड़क कर डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चला लेंगे, और टेस्ट को और भी इन्हांस करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी मिलाया है। अब जाके हमारा हंडी मशरूम पूरा रेडी है। ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो देर किस बात की, इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करें और खाकर बताएं आपको कैसा लगा।